सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है सर 31 जुलाई 2022, बट इसको एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आई है गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह रिक्वेस्ट है, आइए देखते हैं 8 जुलाई 2022 की ये रिक्वेस्ट है जो निर्मला सीतारमन जी को यहाँ पर करी गई है, सीबीडीटी को यहाँ पर करी गई है। फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न सैलरीड और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए अदर देन ऑडिट केस में 31/7/2022 से एक महीने के लिए एक्सटेंशन के लिए ये रिक्वेस्ट करी गई है। आइए देखते हैं इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट को धन्यवाद कहते हुए कोविड 19 के जिस तरह पेंडेमिक को यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने संभाला है, जो एक्शंस लिए हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसी के साथ साथ प्रिवेंशन और स्प्रेड करने से रोकने के लिए कोविड 19 के केसेस को जो ड्रॉप डाउन हुए हैं कंट्री के अंदर और कंट्री धीरे धीरे यहाँ पर खुलना स्टार्ट हो गई है, उस सभी के लिए यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाता है गवर्नमेंट के सभी वर्क को। और जो भी इम्प्रूवमेंट किया गया है इनकम टैक्स पोर्टल पर भी, गए साल को देखकर जो फिलहाल अभी जो पोर्टल की स्थिति चल रही है वो फिलहाल बेटर है, सही से वर्किंग चल रही है, कंटिन्यूस एफर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है, जितने भी ग्रेवियंसेस है पोर्टल के इश्यूज है वो यहाँ पर सॉल्व किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर टैक्स पेयर भी यहाँ पर जो है फ्रेंडली मेजर जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंट है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी इश्यूज है वो यहाँ पर सॉल्व किए जा रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर लाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है गुजरात चैम्बर ने यहाँ पर जो है एक लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर को लिखने का यहाँ पर जो है मोटिव ये है कि यहाँ पर इनकी जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडर की जाए फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सैलरीड और नॉन सैलरीड कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए 31/8/2022 तक ड्यू डेट एक्सटेंड की जाए। अब इन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे आइए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इनका है टीडीएस को लेकर। तो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है टीडीएस की क्वार्टर फोर की 21/22 की वो थी 31/5/2022, और पोस्ट फाइलिंग के बाद यहां पर सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन को यहां पर जो टीडीएस सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो 15 डेज के अंदर होता है, यानी 15/6/2022 के अंदर। अब जो टीडीएस सर्टिफिकेट इन्हें मिला है उन्होंने इन्हें रिकनसाइल किया टैक्स पेयर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, और यहां पर कुछ चेंजेस यानी कुछ फ्लक्चुएशंस दिखाई दिए जो इन्होंने वापस रिवाइज करने के लिए टीडीएस डिडक्टर जो है उनको चेंजेस करने के लिए दे दिया। डिडक्टर ने यहां पर जो है रिवाइज टीडीएस रिटर्न फाइल किया और यहां पर करेक्ट टीडीएस सर्टिफिकेट वापस जो है यहां पर डाउनलोड किया है। अब यहां पर जो टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट किया जाए 26AS के अंदर, और इसके बाद यहां पर जो फाइनलाइजेशन और डिटर्मिनेशन की जाए फाइनल टैक्स लायबिलिटी का, उस प्रोसेस के लिए थोड़ा सा ये वक्त लग रहा है। तो यहां पर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू हुआ है 15/6/2022 को, तो बहुत ही कम समय यहां पर टैक्स पेयर को दिया रिकंसिलेशन के लिए, फाइनलाइजेशन के लिए, इनकम टैक्स के लिए, टैक्स डिडक्टेड के लिए। तो यहां पर जो टैक्स पेयर है वो चाहते हैं इनका रिकंसिलेशन के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से भी यहां पर रिकंसिलेशन करना पड़ रहा है, तो यहां पर प्रॉपर टाइम दिया जाए करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर ताकि रिटर्न में जो है टैक्स पेयर यहां पर डाल सके। उसी के साथ साथ मंथ ऑफ जुलाई बहुत ही ज्यादा बिजी है प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट के लिए, पोस्ट टीडीएस चलांस को लेकर, चलांस की ड्यूडेट्स है, मंथली है, क्वार्टरली जीएसटी की रिटर्न है, टीडीएस और टीसीएस क्वार्टर वन की रिटर्न की ड्यू डेट्स हैं यहां पर। उसी के साथ साथ अभी अभी नए नए अमेंडमेंट हुए 194R 194S जो 1/7/2022 से अप्लीकेबल है, इनको समझने में भी यहां पर थोड़ी सी टाइम लग रहा है, अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल्स हैं, तो यहां पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, रिकंसिलेशन करना हर एक ट्रांजेक्शन का उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहां पर करेक्ट डिटेल जाए टीडीएस और टीसीएस की। उसी के साथ साथ शेड्यूल 3 के अंदर कंपनी सेक्ट के अंदर भी यहां पर न्यू डिस्क्लोजर किए गए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहां पर न्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ऑडिटर और अकाउंटेंट वर्किंग एक्सट्रीमली यहां पर कंप्लायंस करने की पूरी कोशिश करें, जितने भी न्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, कारों की रिक्वायरमेंट आ रही है 2020 की जो अप्लीकेबल हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21/22 के लिए, ऑडिटर जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहां पर ऑडिटर प्रोसीजर जो है वो कंप्लाई करने के लिए उसको कारों का, तो यहां पर चेंजेस किए जा रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ICI ने यहां पर टेक्निकल गाइडेंस निकाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए, यूनिफॉर्मिटी आए प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट के लिए। तो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए प्रोसेस जो एडॉप्शन करना रिकमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का,
तो यहां पर जो डिटेल ये डिस्क्लोजर किया जा डिटेल डिस्क्लोजर इन्हें करना पड़ रहा है, तो यहां पर टाइम और यहां पर जो है थोड़ा सा वक्त यहां पर चाहिए ताकि प्रॉपर डिस्क्लोजर हो सके। उसी के साथ साथ अभी भी कोविड 19 के केस अभी भी थोड़े बहुत चल रहे हैं, बिजनेस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है नॉर्मल कैपेसिटी आने में, तो यहां पर एक्सपीरियंस किया जा रहा है अभी भी नंबर ऑफ केसेस यहां पर सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री यहां पर दिखाई दे रहे हैं, भले ही कम हुए बट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 8/7/2022 को इंडिया में रिपोर्टेड किए गए 18,000 से ज्यादा केसेस, 38 की यहां पर डेथ हो गई पास्ट 24 आवर्स में। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ एक्टिव केसेस भी यहां पर जो है 1,22,000 है। ऑफिसर्स अभी भी यहां पर वर्किंग नहीं कर रहे 100% कैपेसिटी पे ऑफ कोविड 19 केसेस स्टिल यहां पर जो है कंट्री में, और यहां पर जो वर्कफोर्स है वो रिज्यूम नहीं कर पा रहा फिजिकली। यहां पर अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन वर्क यहां पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोविड 19 के यहां पर जो साइकोलॉजी जो ह्यूज इंपैक्ट हुआ है उसी के साथ साथ फियर और एनेक्सिटी को देखते हुए ये नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे, उसी के साथ साथ बिजनेस पर भी पड़ा है। उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे इश्यूज पोर्टल पर भी दिखाई दे रहे हैं, जो नया इनकम टैक्स पोर्टल है भले ही बहुत सारा सुधार हुआ है बट यहां पर अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो रिजोल्व होने बाकी है। अभी भी हैवी लोड यहां पर लास्ट डेज दिखाई दे रहा है फॉर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टीडीएस और टीसीएस रिटर्न के अंदर क्वार्टर वन में 22-23 में। पोर्टल वर्क नहीं कर रहा ऑप्टिमाइजेशन कैपेसिटी पे, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है टैक्स पेयर्स को। कॉमन यूटिलिटी जो दी गई आईटीआर 1, 2, 3, 4 वो अभी अभी रिलीज करी गई 1/7/2022 को। उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ने यहां पर जो है 2/7/2022 को एक ट्वीट करके कहा है कि टैक्स पेयर यहां पर इश्यूज फेस कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट ई फाइलिंग पोर्टल पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फाइलिंग पोर्टल पर। उसी के साथ साथ इंफोसिस यहां पर ऑब्जर्व कर रहा है कुछ इरेगुलेटर ट्रैफिक यहां पर आया है पोर्टल पर, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि वेबसाइट लॉगिंग नहीं हो पा रही है, 26AS इश्यू डाउनलोडिंग में हो रहा है, आईटी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, फेसिंग प्रॉब्लम स्विचिंग द वेबसाइट। उसी के साथ साथ कभी कभी सिस्टम स्लो हो जाता है, मैन ओवर्स यहां पर सब्सटेंशियली कंज्यूम किया जा रहा है, टीडीएस टीसीएस के यहां पर फॉर्म 26AS में यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ITR फाइल यहां पर अपडेटेड नहीं है। उसी के साथ साथ लॉगिन करना पोर्टल पर बार बार यहां पर पॉसिबल नहीं हो रहा है, आधार OTP नहीं आ रहा है और फॉर्म 15CA CB के यहां पर लिंक में इश्यूज हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें अभी भी यहां पर पोर्टल में दिखाई दे रही है। तो यहां पर इन सभी डिले चीजों को, इन सभी को कंप्लायंस को देखते हुए यहां पर थोड़ा समय और देना चाहिए ताकि रिटर्न और प्रॉपर कंप्लायंस हो सके। तो यहां पर इन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट करी है कि जो ड्यू डेट है वो फर्दर एक्सटेंड की जाए अंडर सेक्शन 139(1) की जो रिटर्न है फॉर सैलरी डोन नॉन कॉर्पोरेट SSC के लिए 31/8/2022 तक एक्सटेंड की जाए। तो एक महीने का इन्होंने यहां पर जो एक्सटेंशन मांगा है गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। तो बहुत सारे इश्यूज इन्होंने यहां पर बताए टीडीएस रिटर्न्स को लेकर, पोर्टल को लेकर, कोविड को लेकर और अदर बिजनेस इश्यूज को लेकर। तो एक महीने का एक्सटेंशन ये मांगा है। सो आपका क्या कहना नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।